जी बहुत ज़्यादा आवाम कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ लोगों के जो बयानात हैं कि 22 दिन या 28 दिन हो चुके हैं इस औरत को वफात पाए हुए। ये कोमा में थी और कोमा में ही उसको दफना दिया गया। आगे अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन कब्र से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। मुसलसल 14 साल 6 माह उम्र बताई जा रही है और एक बेबी था और छोटी उम्र में निकाह कर दिया गया। इसका पता नहीं अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं। हाथ जो भी हाथ रखता है कब्र पर उससे मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें कितनी आवाम बैठी है, इंतज़ामिया बेचारी बेबस होकर चली गई है कि घर वाले नहीं मान रहे कि हमने कब्र की शाही नहीं करनी। अब इंतज़ामिया ने ही उनके घर वालों को लवाहिकीन को राज़ी किया है कि वो जाएँ और जज से जाके एक दरख्वास्त पर साइन करवा के लेके आए। और इंतज़ामिया की मेहरबानी है, इंतज़ामिया की मेहरबानी से ही ये कब्र की शाही अब होगी। अब देखते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे देखते हैं क्या बनता है जी। ये देखें जी, ये हम खड़े हैं बाबे टल्ला आले सरकार दरबार पर। ये कब्र से मुसलसल रात की आवाज़ें आ रही हैं और ये देखें इतनी आवाम इकट्ठी है, उसके घर वाले कब्र की शाही करने नहीं दे रहे। बेचारा अमला जो है फतेहपुर के लोग सारे इकट्ठे हैं और अमला बेबस है और रात की इस कब्र से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं जी। ये देखें इतनी आवाम है, ये देखें आप देख सकते हैं और मुसलसल इस कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। 19 दिन या 20 दिन हो गए हैं। ये किसी औरत की मैयत थी और दफनाई गई यहाँ पे और ये लोग उसकी कब्र की शाही नहीं करने दे रहे घर वाले और यहाँ की इंतज़ामिया बेबस है। ये देखें बाकी आइंदा जो भी खबर होगी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पल पल खबर हम आपको देते रहेंगे। ये देखें ये दरबार देखें और ये उनकी कब्र है। ये सारे आवाम देख रही है और सुन रही है, सुनने की कोशिश कर रही है, अंदर से मुसलसल आवाज़ें आ रही रात की। ये देखें जी, देखिए जी, हर बंदा मौकफ दे रहा है, किसी को शक है तो आके चेक करें, लेकिन लवाकीन नहीं मान रहे। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह माफ़ करे। अब तक तो ये मसला हल हो जाना चाहिए था। यहाँ की इंतजामिया बेबस है बेचारी, बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है। यहाँ ये लोग बता रहे हैं मुख्तलिफ बेचारे कि ये औरत हामला भी थी और कोमे में थी, जब दफनाई गई कोमे में थी और उसके घर वाले कब्र की शाही करने नहीं दे रहे। ये देखें जी, यार आवाम थोड़ी थोड़ी पीछे हट जाए, फिर देखते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। थोड़ा कब्र को छोड़ें यार, थोड़ा थोड़ा कब्र को छोड़ें, मेहरबानी करें यार, थोड़ा कब्र को छोड़ें। ये आवाम सारी खड़ी है यार, देखें। नहीं बंदे सारे पीछे हट जाना, फिर तुम पता यार, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना, फिर तसली से आवाज सुने यार। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, कब्र से मुसलसल आवाजें आ रही हैं जी। और मौकफ ये है आवाम का कि ये औरत हमला थी और इसमें और कोमे में भी थी। ये सियाना जब बंदा चेक करो, आ रही आवाज़ यार, ओए होए होए यार, देखें यार, सारे बंदे गवाही दे रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं कब्र के अंदर से। कल रात की आवाज़ें आ रही हैं। 18 दिन या 19 दिन हो गए इन्हें फौत हुए। यार ये देखें, ये मुसलसल मामला बढ़ता जा रहा है और आवाज़ मुसलसल आ रही है। मैंने खुद भी चेक की है, मुसलसल जैसे अंदर कोई बाजू मार रहा है, हाथ मार रहा है, टांगे मार रहा है कोई अंदर से। और हमारी अपील है सबसे कि इंतज़ामिया से, उनके घर वालों से, कब्र की कब्र को शाही करवाई जाए जल्द। वो आए हैं बंदे इतने, उन्होंने घर आए आए हैं कमार यार, रात दे लगे हुए। ये देखें जी सर, रात ये लोगों के मौकफ लेते हैं। किस किसने आवाज़ें सुनी हैं भाई, किसी ने सुनी है आवाज़ें अंदर से? अच्छा, ये देखिए जी, सारी आवाम कह रही है आवाज़ें आ रही हैं और जो घर वाले हैं उनके लवाकीन हैं वो कब्र की शाही करने नहीं दे रहे। और इंतज़ामिया हमारी बेचारी बेबस है, पुलिस 4 दफ़ा होके जा चुकी है यहाँ से। अल्लाह माफ़ करे यार, ये 19 दिन या 18 दिन हो चुके हैं इस मैयत को यहाँ पर दफन हुए पड़े। ये देखें सर, इतनी आवाम गवाही दे रही है और ये कब्र की शाही नहीं हो रही।